वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है आयुष ने, ये पार्ट टू है। पार्ट वन में आपको हमने दिखाया था महोबा जंक्शन से ट्रेन हमारी चल रही है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की दिशा में, और इस पार्ट में कुलपहाड़ स्टेशन तक जो कि महोबा जंक्शन से लगभग 22 किलोमीटर है, दोहरीकरण का काम चल रहा है NCR जोन में। ये हमारा रेलखंड पड़ता है झांसी मंडल में, और खजुराहो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस से ये वीडियो शूट किया गया है। पार्ट वन में हमने आपको दिखाया था कि ट्रेन हम लोगों की महोबा जंक्शन से डिपार्ट कर रही है, और महोबा जंक्शन से आगे किस प्रकार से जो दोहरीकरण का काम यहाँ पर किया जाना है झांसी की तरफ, उसमें किस प्रकार से रेलबेड तैयार हो रहा है, जगह जगह जो पुल हैं बन रहे हैं, यहाँ पर भी आपने देखा भी एक पुल रस्ते में तैयार किया जा रहा है, रेलबेड यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेलबेड का काम है बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, लेवल क्रॉसिंग आ गई, काफ़ी काम अभी यहाँ पर होना बाकी है इस दिशा में। यहाँ पर बैरिकेडिंग, एक प्रकार से छोटे छोटे जो पिलर्स हैं उनको लगा दिया जाता है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खुदाई चल रही है, और जहाँ से फिर दाहिने हाथ पर यहाँ पर आपको अब कुछ रेलबेड दिखाई दे रहा होगा। ये जो मिट्टी और घास आप दाहिने हाथ पर देख रहे हैं, यहीं पर पूरा नया रेलबेड जो अलाइनमेंट आएगा ट्रैक का, डबल ट्रैक का, वो यहीं पर आएगा। और जो लेवल क्रॉसिंग्स पर ये जितने भी अभी गेटमैन के केबिन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तोड़े जाएंगे, इनको हटाया जाएगा और नए केबिन बनेंगे। या तो कई जगह जो रेलवे कर रही है लेवल क्रॉसिंग्स को भी हटाया जा रहा है धीमे धीमे, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर लिमिटेड हाइट सबवे बनाया जाता है, नीचे से एक अंडरपास बन जाता है जिसके ऊपर से डबल लाइन हमारी फिर ये तैयार हो जाएगी आने वाले समय में, जिससे कि जो यातायात है उसको भी नहीं रुकना पड़ता है ट्रेन के लिए, और जो रेलगाड़ियाँ हैं उनको भी अधिक स्पीड में आप चला सकते हैं, उनकी औसत गति बढ़िया हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके लिए जगह जगह यहाँ पर देखिए JCB मशीन चल रही है, जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं इस प्रकार की वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अब या तो लिमिटेड हाइट सबवे बना दिए जाएं नीचे से अंडरपास, तो क्रॉसिंग्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं, या फिर जहाँ पर लोड अधिक है, यातायात अधिक है, तो बहुत जगह जहाँ पर बड़े वाहन भी निकलते हैं और स्पेस है वहाँ पर ऊपर से ऊपरगामी सेतु जो होता है, सड़क का पुल, वो बनाया जाता है रेल की पटरी के ऊपर से, ताकि यातायात ऊपर से निकल जाए और रेलगाड़ियाँ नीचे फर्राटा भरती रहें। तो यहाँ पर झांसी मंडल के अंदर हम इस सेक्शन का पहली बार वीडियो लेकर के आ रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर। पार्ट वन आप देख चुके हैं, अब ये पार्ट टू है, उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रेन हम लोगों की लगातार स्पीड के साथ चल रही है झांसी की दिशा में कुलपहाड़ स्टेशन की तरफ, और जो काम यहाँ पर डबल ट्रैक में किए जा रहे हैं उनको आप देखते जाइए। जगह जगह बीच बीच में बारिश भी हो रही है बुंदेलखंड रीजन में। यहाँ पर आप देखिए कि OHE जो मास्ट हैं उनको लगाने का काम देखिए यहाँ पर वो भी शुरू हो गया है, साथ साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा क्योंकि पूरे ही रेलखंड का, तो मास्ट लगाने का काम देखिए क्योंकि ड्राइंग आ चुकी होती है, इनको पता रहता है कि कहाँ पर हमारा ट्रैक का जो अलाइनमेंट है रेलबेड के ऊपर ट्रैक कहाँ बिछाया जाएगा, उसी हिसाब से मेजरमेंट करके मार्क करके जो हमारी फाउंडेशंस हैं वो तैयार हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच बीच में किस प्रकार से, ये देखिए जो OHE के मास्ट हैं उनको भी डालने का काम और इरेक्ट करने का काम यहाँ पर कर लिया गया है। 90 डिग्री पर देखिए मास्ट सेट हैं, जबकि अभी यहाँ पर ट्रैक बिछा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जगह जगह ये देखिए OHE के जो मास्ट हैं वो नज़र आ रहे होंगे, इनको यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, OHE के जो मास्ट हैं वो खड़े हो जाएं, और ट्रैक बिछाने का काम भी मुझे लगता है अब रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि साइट पर यहाँ तक कंक्रीट स्लीपर्स को पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद इसको लेवल करके, क्योंकि अभी बहुत जगह देखिए एलिवेशन जो है लेवल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको अभी और समतल किया जाएगा और मिट्टी पटान इसमें मुझे लगता है किया जाएगा यहाँ पर, ताकि उसके बाद फिर
रेल बेड यहाँ पर फाइनल शेप अपनी ले लेगा, जिसके बाद मार्किंग की जाएगी सेंटर रख करके। उसके बाद कंक्रीट स्लीपर्स को बिछाने का काम किया जाएगा, जिसके बाद फिर ट्रैक को बांधने का काम उसकी शुरुआत होगी। लेकिन अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पर कार्य दिख रहे हैं। महोबा से जो हम आगे चल रहे हैं झांसी की दिशा में, कुलपहाड़ स्टेशन की दिशा में, तो अभी जो रेलबेड है देखिए, जगह जगह अभी घास भी साफ़ नहीं हुई, जगह जगह अभी यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई की जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पर इसी तरफ रेलबेड आएगा। यहाँ पर छोटे छोटे पिलर्स देखिए आपको ट्रैक के ठीक दाहिने हाथ पर दिख रहे होंगे, बैलस्ट के पास ये लगे हुए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि कार्यक्षेत्र जो होता है कि इसके बाद यहाँ पर आगे काम किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी डबल ट्रैक बिछाने के लिए जो अंडरपास देखिए आ गया, ये अंडरपास बना हुआ है, इसके ऊपर से ट्रैक निकलेगा, जो डबल लाइन यहाँ पर डाली जाएगी। दोहरीकरण हो रहा है झांसी मंडल के अंतर्गत, महोबा जंक्शन से कुलपहाड़ होते आगे हरपालपुर के रास्ते मऊरानीपुर स्टेशन पड़ता है, उसके बाद फिर आगे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ट्रेन पहुँचेगी। तो उसके लिए यहाँ पर अभी काफ़ी काम होना बाकी है। यहाँ पर भी आप देखिए, अभी इस साइड में काफ़ी हरियाली दिख रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए पिलर्स नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर ट्रैक का अलाइनमेंट बाएं हाथ पर हो, क्योंकि यहाँ पर नीचे ट्रैक के पास में पिलर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं इस सेक्शन की, कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, क्या काम अब तक हुआ है NCR जोन में झांसी मंडल के अंतर्गत। महोबा से झांसी के बीच जो डबलिंग की जाएगी, तो अभी इसमें समय लगेगा आप मान के चलिए, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत नज़र आ रही है, काफ़ी काम होने बाकी हैं। तमाम जगह अभी पुल और जो पुलियाँ हैं उसका निर्माण होगा, उसको बनाने में समय लगता है। रेलवे के जो ब्रिज होते हैं, क्योंकि उनको उनकी जो मजबूती है वो मेन फैक्टर रहता है, तेज़ गति से ट्रेन्स चलेंगी, तो उसके लिए जो पुल है और पुलिया यहाँ पर बनाई जाएंगी। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं पिलर्स आ गए, और यहाँ पर दाहिने हाथ पर कुछ मिट्टी आपको दिख रही होगी, साफ़ सफाई कुछ की गई है। तो अभी जो रेलबेड है वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है, खुदाई चल रही है अभी यहाँ पर रेलबेड का जो बेस होता है उसको तैयार करने के लिए प्रॉपर। अभी यहाँ पर काफ़ी सारी जो मिट्टी है वो भी भरी जाएगी, लेवल ऊपर उठाई जाएगी, जो रेलबेड हमारा है थोड़ा ऊंचा उठेगा, फिर बजरी और रेता जो होता है हमारा मिला करके मिक्स करके वो डाला जाता है, और ऊपर फिर हैवी रोलर चलता है ताकि जो मिट्टी है जितनी बैठनी है वो बैठ जाए। पानी का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद फिर रोलर चलता है और मिट्टी डाली जाती है, ताकि जो नीचे पट्टा है हमारा, जो बेस है रेलबेड का, वो बहुत मजबूती के साथ तैयार हो जाए, ताकि जो ट्रैक डालने का काम फिर उसके बाद ही शुरू किया जाता है। और कुलपहाड़ स्टेशन जो है, ट्रेन हम लोगों की अब पहुँच रही है यहाँ पर, जहाँ पर अभी मथुरा से हावड़ा जाने वाली चंबल एक्सप्रेस जो है उसका यहाँ पर क्रॉस होगा। तो पार्ट टू के अंदर कुलपहाड़ स्टेशन तक जो कवरेज है इसको हमने आपको दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी इसके बाद पार्ट थ्री हम लोग करेंगे। तो यहाँ से आगे का जो हाल है, दोहरीकरण का जो काम चल रहा है उसका क्या ताज़ा स्टेटस है, कितना काम हुआ है आगे, वो आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए चैनल पर, और एक एक करके जो बहुत लंबी वीडियोस होंगे किसी सेक्शन के, कहीं पर अगर डबलिंग हो रही है तो उसको हम लोग पार्ट्स में आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, वैसे तो देखिए अधिकतर वीडियोस जितने भी चैनल पर 6 साल से लगभग आप देख रहे हैं सभी फ्री हैं, फ्री टू यूज़ हैं, आप उनको देखते हैं, उसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस अब जो करेंगे हम, तो उसको हम पहले जो हमारे मेंबर्स हैं जो चैनल को ज्वाइन करेंगे वो एक्सेस कर सकते हैं,
उनके लिए होंगे वो वीडियोस, और बाद में वो हम पब्लिक कर देंगे। तो इससे ये है कि जो मेंबर्स हैं थोड़ा सा मॉनेटरी सपोर्ट भी हो जाएगा एक प्रकार से चैनल को। तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही तमाम सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कवर करके हम लोग लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे जो अपडेट्स हैं। तो अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए। तो ये कुलपहाड़ स्टेशन जो है वो आ गया, सामने शेल्टर लगा हुआ है, देखिए उस पर नाम लिखा हुआ है स्टेशन का। और सामने से मथुरा से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली चंबल एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, इसकी एक झलक देखिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आई सुरुदेव